कहने को हम सफ़र हैं जी, डेफिनेटली आई थिंक ओल्ड बालाजी फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आया है। पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ और था, इस साल अभी कुछ और है। आई थिंक बहुत जल्दी एक कम स्पैन में जब ओल्ड बालाजी इतने इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आता है, डेफिनेटली उनके पास इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक खजाना है, एक भंडार है उनके पास, कि आई थिंक जब भी एकता कपूर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आती हैं एक इतने अच्छे कम्पोमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ कि रौनित रॉय, मोना एंड गुरदीप, तो तीनों का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आई एम श्योर तालमेल होगा शो में, एंड मुझे वो देखना है। और जो एक वन लाइन जो है, जो टैग लाइन है कि वो शादीशुदा है और तीसरा कोई अगर इंसान आए तो लाइफ कितनी चेंज होती है, वो मुझे देखने हैं डेफिनेटली। आप चाहते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कि यू नो इन द सेंस कि एक जो हमसफ़र जो होता है, आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में जब आता है और आपकी पत्नी को छोड़ के जब दूसरा हमसफ़र आता है तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो आई थिंक फिर वो हमसफ़र का जो पूरा जो एक जो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आपके लिए एक पति पत्नी और एक दूसरा हमसफ़र, सो पूरा जो है ज़िंदगी जीने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वो मुझे देखना है वो कैसे एकता कपूर जो है, पूरे ओल्ड बालाजी टीम जो है, राइटर्स जो हैं, उन्होंने कैसे दिखाया है। इट्स अ वेरी बहुत सेंसिटिव लाइन है, खास करके हमारे देश में किस तरह लोग इसके साथ इसको देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मुझे देखना है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक, और हमारा देश जो है जहाँ पे मतलब कल्चर जो है इतना स्ट्रांग है कि अगर पति पत्नी और वो आ जाए तो वो के साथ बहुत बड़ा एक सर्कल हो जाता है कि भैया पति पत्नी ये तीसरी कौन आ गई या ये तीसरा कौन आ गया। तो एक जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक, किस तरह डील किया गया है मुझे वो देखना है, किस तरह उन्हें दर्शाया उसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनफैक्ट आज मैं बात ही कर रहा था कि वेब सीरीज़ आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि मुझे खुद, मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ करूँ। आई थिंक हम लोग, मुझे टेलीविजन करते 12 साल हो गए, तो अगर वेब सीरीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग हो और खास करके अगर हमारे ही फैमिली में हो, बालाजी फैमिली में हो, तो वाई नॉट यार, डेफिनेटली। बट कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ हटके हो, जैसे मैं देखता हूँ हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब बहुत है इनके पास, बहुत भंडार है।